हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर ईशा गंभीर और मैं हूँ IVF कंसल्टेंट नीलकंठ IVF जयपुर सेंटर में। आज मैं आपके सामने जो बात करूँगी वह यह है कि क्या इनफर्टिलिटी को ट्रीट किया जा सकता है। इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता कितने प्रकार की होती है, IVF से क्या इनफर्टिलिटी को ठीक किया जा सकता है। सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन पूछा था वो ये था, क्या इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता को ठीक किया जा सकता है। ये सवाल जो है वो कई कई इनफर्टाइल कपल्स के दिमाग में आता ही है। जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं वो कई साल जब ट्रीटमेंट लेते हैं, जगह जगह से दवाइयाँ बदल बदल कर लेते हैं, फिर भी यदि उनको सफलता नहीं मिलती तो वो कभी कभी अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि जैसे कि निसंतानता है उसका कोई इलाज ही नहीं है, वो लाइलाज प्रॉब्लम है। बट ऐसा नहीं है। आज के मॉडर्न टेक्निक्स के द्वारा और जो एडवांसमेंट हुई है साइंस में, कपल्स जो बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के जो कपल्स हैं उनका भी इलाज संभव है। और ना केवल महिला इनफर्टिलिटी बल्कि जो पुरुष मेल इनफर्टिलिटी है उसका भी इलाज संभव है। और मैं ये भी बता दूं कि सिर्फ कम उम्र की महिला में ही नहीं बल्कि ज़्यादा उम्र की महिला या जिनको मेनोपॉज आ गया उनमें भी हम फर्टिलिटी यानी उनको भी हम प्रेग्नेंट करने का संभव कर सकते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है। देखिए, यदि कोई दंपत्ति 12 महीने यानी एक साल से बिना किसी गर्भ निरोध के प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है और उसमें वो सफलता नहीं पा पा रहा है तो इसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और दूसरी होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। यदि किसी महिला ने कभी भी कंसीव नहीं किया है तो उसको हम बोलेंगे प्राथमिक यानी प्राइमरी इनफर्टिलिटी। और जो दूसरे प्रकार की इनफर्टिलिटी है सेकेंडरी, इसमें महिला ने यदि अपने पहले कभी एक बार भी अगर कंसीव कर रखा है और अब वो कंसीव नहीं कर पा रही है तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ज़्यादातर जो केसेस होते हैं इनफर्टिलिटी के वो प्राइमरी यानी प्राथमिक इनफर्टिलिटी के होते हैं। दोनों ही केसेस में यदि कपल्स ने बहुत समय तक इंतज़ार कर लिया है और बहुत जगह से दवाइयाँ ले रखी हैं, बहुत तरह तरह के ट्रीटमेंट ले रखे हैं, तो ऐसे कपल्स में IVF एक संभव इलाज बनता है इनको प्रेग्नेंट करने का। अगर आपको IVF के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर नीलकंठ IVF सेंटर पर आकर हमसे परामर्श ले सकते हैं। थैंक यू।